हरदोई में आज विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक हुई। बैठक के प्रारंभ होने से पूर्व जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभापति पवन सिंह चौहान व समिति के अन्य माननीय सदस्यों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक में जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित देयकों पर चर्चा की गई। समिति ने लंबित समस्त 35 प्रकरणों पर विभाग को निस्तारण संबंधी निर्देश दिए। निस्तारण ना हो पाने पर विभिन्न प्रकरणों को लेकर स्टाम्प विभाग, समाज कल्याण विकास, बेसिक शिक्षा विभाग को समिति के समक्ष लखनऊ तलब करने का फैसला किया गया। दी गई है, मुबादरा किया गया है, टीम बोला अच्छे से कार्य करें और मुझको लगता है उसके डीएम साहब के नेतृत्व में डीएम की टीम तरीके से यहाँ पर नेतृत्व किया। डीएम साहब के नेतृत्व में जो भी टीम की थी वो अच्छे से वर्क आया। कुछ डिपार्टमेंट वाकई में चिंताजनक काम कर रहे थे, उन डिपार्टमेंटों को चेतावनी दी गई है कि वो आगे से भविष्य में इस तरह की डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे वहाँ होता है। ये वित्तीय कमेटी है और इसमें ये इंटरनल बात होती है, थोड़ा सा बाहर आने का थोड़ा सा गोपनीयता भंग होगी। इसलिए मैं जरूर चाहूँगा कि डीएम साहब ने संज्ञान लेते हुए उन डिपार्टमेंटों को खुद से उन्होंने चेतावनी दी और एक महीने का समय लिया कि सारे जो समस्याएं थी जनता की सारी समाधान करके कमेटी को समिति को अवगत कराएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।